रेडी हो रहे हैं कुछ ही देर में इस पैनल के पास चलेंगे लेकिन पहले आज के बिग स्टॉक्स डॉक्टर साहब स्टिंग करिए कुछ प्रोड्यूसर साहब नीचे टीजर्स तो चला रहे हैं तो कुछ आइडिया लग रहा है पर आज के बिग स्टॉक्स कौन कौन से और क्यों देखिए आज बिग स्टॉक्स में मैं जो स्टॉक्स लेके चल रहा हूं उनमें कुछ न्यूज़ का तड़का है और कुछ ब्रोकरेजेस का है Uh, सबसे पहले uh, और कुछ मेरा एक अपना खुद का व्यू भी है सबसे पहले जो मैं लेकर चल रहा हूँ स्टॉक बिग स्टॉक में वो है एल एंड फाइनेंस एल फाइनेंस को मैं ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ उसका कारण क्या है कि आज एल फाइनेंस में एक ब्लॉक पॉसिबल है अच्छा अब इसका नाम एल फाइनेंस हो गया तो एफ एच हटा दीजिए इसको अब अब सिर्फ एल फाइनेंस हो गया इसका नाम तो एल फाइनेंस में आज एक ब्लॉक डील पॉसिबल है बेन कैपिटल बेच रहा है अपना माल यहाँ पर कल ये स्टॉक डे हाई पर बंद हुआ है मार्केट को पता था शायद कि ब्लॉक डील होने वाली है फिर भी डे हाई पर क्यों बंद हुआ उसका कारण आपको अगले उसमें पता चलेगा साढ़े तीन परसेंट का ब्लॉक है ये क्लीन आउट ट्रेड है क्लीन आउट ट्रेड मार्केट को पसंद आते हैं और ब्लॉक विंडो में ही होने के चांसेस हैं और जो बेस प्राइस है वो एक डिस्काउंट पर है प्रीमियम नहीं है डिस्काउंट है इसको ठीक करिएगा एक परसेंट डिस्काउंट वन सिक्सटी नाइन पॉइंट वन सेवन पर तो विद इन वन परसेंट डिस्काउंट पर ये ब्लॉक डील होने के चांसेस हैं और ब्लॉक विंडो में ये मामला निपट जाएगा तो इसके लिए ये एक स्टॉक है जो मेरे रेडार पर रहेगा और मेरा मतलब ये हाँ वन तो ये इसको मैं ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ दूसरा ग्रीन में जो मैं लेकर चल रहा हूँ वो है डॉक्टर रेड्डीज़ डॉक्टर रेड्डीज़ ने एक इंजीनियस फार्मा के साथ एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है और उसमें उनके पास एक कमर्शियल राइट्स मिल रहे हैं एक्सक्लूसिव एक ड्रग के लिए नाम मैं प्रोनाउंस नहीं करूँगा उसका ठीक है वो स्क्रीन पर आ जाएगा पढ़ लीजिए उसको ये सारे के सारे नाम बहुत अजीब होते हैं सब विदेशी नाम है एक्चुअली इसके लिए ये नाम आ गया आपके स्क्रीन पर फिफ्टी वन डॉलर का यहाँ पर मार्केट साइज था एफ आई ट्वेंटी फोर में और डॉक्टर रेड्डीज को एक बल्क ऑफ उसका एक्सक्लूसिव राइट right मिलेगा तो इसके लिए ये एक स्टॉक है जो फोकस में रहेगा तीसरा स्टॉक जो न्यूज़ बेस्ड है फोकस में रहेगा वो है नेस्ले दो कारण है नेस्ले के एक तो सी एल एस ए की कल एक रिपोर्ट आई है जिसमें सी एल एस ए पॉजिटिव है एफ एम सी जी नामों पर और उन्होंने नेस्ले का टारगेट बढ़ाकर किया है सत्ताईस सौ अठानवे अट्ठाईस सौ ही मान लें वैसे तो खैर वो थोड़ा एक्सेल में कुछ ज़्यादा ही ये हो जाते हैं ये लोग एकदम सत्ताईस अट्ठानवे अट्ठाईस सौ में क्या फ़र्क है अट्ठाईस सौ मतलब मान लीजिए टारगेटिक तो लगता होगा ना वो एकदम मतलब वो ना लकीर के फ़कीर वो एक्सेल वो वो उस हिसाब से होता है वरना क्या मतलब सत्ताईस सौ अट्ठानवे मतलब जैसे एज ए दो रुपये से कुछ फर्क पड़ जाएगा खैर अट्ठाईस के करीब पर टारगेट है उनका और दूसरी चीज़ जो कल हुई शेयर होल्डर्स ने रिजेक्ट किया था कि नहीं हम रोयल्टी नहीं बढ़ाएंगे कल उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि जितनी पहले थी उतनी रहेगी रॉयल्टी फोर पॉइंट फाइव परसेंट ये भी एक माइनर पॉजिटिव है इसके लिए नेस्ले आज ग्रीन में बस एक ये चीज़ है कि आज देखते हैं एफ एम सी जी बिहेव कैसे करेगा क्योंकि लास्ट दो तीन दिन से एफ एम सी जी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है यहाँ पर और एक मैं थोड़ा अपना मन से एक स्टॉक लेकर चल रहा हूँ मनापुरम उसको मैं क्यों लेकर चल रहा हूँ मेरा ये मानना है कि यहाँ से गोल्ड प्राइसेस सर्च करेंगे और गोल्ड प्राइसेस अगर सर्च करेंगे तो उसमें जो गोल्ड फाइनेंस वाली कंपनियाँ हैं वो उनके लिए नॉर्मली पॉजिटिव रहता है और प्लस रेट कट एक्सपेक्टेशन भी है इंडिया का भी इन्फ्लेशन थोड़ा सा अच्छा है तो आज इंडिया में थोड़ा एनबीएफसीज वैसे भी मुझे लग रहा है कि आउट परफॉर्म करेंगे तो विद इन दैट मुथूट मनापुरम टाइप के स्टॉक्स मुझे लग रहा है कि थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकते हैं इसके लिए चार बिग स्टॉक्स उसमें एक ये भी हो गया बिल्कुल ठीक रखिए ये चारों बेहद इंटरेस्टिंग स्टॉक्स अपने रेडार कौन कौन से एल एन टी फाइनेंस डॉक्टर नेस्ले और मनापुरम फाइनेंस इनमें से कुछ खबरों वाले हैं यतिन आज मदद करेंगे स्टॉक्स इन न्यूज में तो यतिन से इनमें से कुछ स्टॉक्स पे और डिटेल पे आगे चर्चा होगी और एक्सपर्ट से भी व्यूज ले लिए जाएंगे लाइए भाई एक्सपर्ट्स की बात हुई तो दिखाइए स्क्रीन पे